नमस्कार। आज एक बहुत ही भयावह संकट ने हमें घेर रखा है, हमारे पूरे विश्व को घेर रखा है। बहुत ही भयानक त्रासदी के बीच हम हैं। सभी को समस्याएं हैं, मुझे भी हैं, आपको भी हैं। हो सकता है आपके पसंद की कॉफी मार्केट में स्टॉक आउट हो गई हो, या फिर मैगी जो आपको खाना बहुत पसंद है वो बाजार से लुप्त हो गई हो। लेकिन ये सत्य है कि आज इसी देश में करोड़ों करोड़ लोग भूखे सोएंगे, उनको एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं होगा। तो ये जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप विशेषाधिकृत की सूची में आते हैं, उस श्रेणी में आते हैं, उन खास हुकूक हक और अधिकारों के साथ। ये आपका दायित्व है कि आप अगर किसी की भी मदद कर सकें उसका पेट भरने में, तो यही आपका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वो आपको अदा करनी चाहिए। मैं और आप शायद कभी भूखे नहीं रहे, तो हमें भूख का एहसास, उसके जो उसकी जो पीड़ा है उससे हम अवगत नहीं है। पर कोई इंसान है जो भूखा रहा है और उसने ये नज़्म लिखी है। ये मेरी जिंदगी के प्रेरणादायी लोगों में से एक है, जावेद अख्तर साहब। उन्होंने अपने कलाम मजमूए तरकश की उनकी एक नज़्म है भूख। उनके जब गुर्बत और फाका कशी के दिन थे, उस वक्त उन्होंने ये नज़्म लिखी थी, और ये आज भी उतनी ही बेचैनी किसी भी इंसान के मन में प्रकट करती है, कम से कम मेरे मन में तो करती है। तो मैं ये नज़्म पढ़ने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जितना भी, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि जितना भी कर सकें उतना कम है और जितना भी करें उतना बहुत है। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखें और किसी के लिए ज़रूर कुछ अगर आप कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। भूख। आँख खुल गई मेरी, हो गया मैं फिर जिंदा, पेट के अंधेरों से जहन के धुंधलकुम तक, एक सांप के जैसा रेंगता ख्याल आया, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। एक अजीब खामोशी मुंजमित है कमरे में, एक फर्श और एक छत और चार दीवारें, मुझसे बेताल्लुक सब मेरी तमाशाएं। सामने की खिड़की से तेज धूप की किरणें आ रही हैं बिस्तर पर, चुभ रही हैं चेहरे में, इस कदर नुकीली हैं जैसे रिश्तेदारों के तंज मेरी गुर्बत पर। सामने की खिड़की से तेज धूप की किरणें आ रही हैं बिस्तर पर, चुभ रही हैं चेहरे में, इस कदर नुकीली हैं जैसे रिश्तेदारों के तंज मेरी गुर्बत पर। आज खोखला हूं सिर्फ खोल बाकी है, आज मेरे बिस्तर में लेटा है मेरा ढांचा, अपनी मुर्दा आंखों से देखता है कमरे को, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पे चलता हूँ, तंग सी सड़क पर हैं दोनों समत दुकान, खाली खाली आंखों से हर दुकान को तकता, सिर्फ देख सकता हूँ अब पढ़ा नहीं जाता। लोग आते जाते हैं पास से गुजरते हैं, फिर भी कितने धुंधले हैं जैसे सब हों बेचेहरा। शोर इन दुकानों का, राह चलती एक गाली, रेडियो की आवाजें दूर की सदाएं हैं, आ रही हैं मीलों से, जो भी सुन रहा हूं मैं, जो भी देखता हूं मैं, ख्वाब जैसा लगता है भी और नहीं भी। दोपहर की गर्मी में बेइरादा कदमों से एक सड़क पे चलता हूं, सामने के नुक्कड़ पर नल दिखाई देता, सामने के नुक्कड़ पर नल दिखाई देता है, सख्त क्यों है ये पानी, क्यों गले में फंसता है, मेरे पेट में जैसे घूंसा एक लगता है, आ रहा है चक्कर सा, जिस्म पर पसीना है, अब सकत नहीं बाकी, आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। हर तरफ अंधेरा है, घाट पर अकेला हूं, सीढ़ियां हैं पत्थर की, सीढ़ियों पे लेटा हूं, अब मैं उठ नहीं सकता, आसमां को तकता हूँ, आसमां की थाली में चांद एक रोटी है, झुक रही है अब पलके, डूबता है ये मंजर, है जमीन गर्दिश। मेरे घर में चूल्हा था, रोज खाना पकता था, रोटियां सुनहरी हैं गर्म गर्म ये खाना, खुल नहीं रही आंखें, क्या मैं मरने वाला हूं। माँ अजीब थी मेरी, रोज अपने हाथों से मुझको वो खिलाती थी, कौन सर्द हाथों से छू रहा है चेहरे को, एक निवाला हाथी का, एक निवाला घोड़े का, एक निवाला भालू का, मौत है कि बेहोशी, जो भी है गनीमत है, मौत है कि बेहोशी,
जो भी है गनीमत है। आज तीसरा दिन था, आज तीसरा दिन था। शुक्रिया।